ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, अगर आपने एक नया स्मार्टफोन लेने का मूड बना लिया है और काफी सारा रिसर्च करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि Xiaomi जैसे ब्रांड की तरफ से आने वाला पोको M2 Pro आपको लेना है, तो ये वीडियो आज मैंने आपके लिए ही बनाया है। इस वीडियो में आज हम अनबॉक्स करेंगे पोको M2 Pro का और बताएंगे कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आते हैं और ये कैसा दिखता है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। दोस्तों, ये फोन मैंने Amazon से मंगाया है जो मुझे 15,999 का पड़ा है। ये 6GB 64GB वाला वर्जन है। ये आप Flipkart और Amazon दोनों जगह से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने ये फोन Amazon से मंगाया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जब तक इसका रैप हटाते हैं तब तक आपको इसके स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं। दोस्तों, ये फोन 6GB 64GB के साथ साथ 6GB 128GB में भी आता है और इसमें आपको 6.67 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। ये Android 10 वर्जन के साथ आता है और इसमें Snapdragon 720 प्रोसेसर लगा हुआ है जो एक बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। इसी वजह से इसमें भारत का नेविक जो सपोर्ट है GPS सिस्टम का वो काम करता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें ऊपर थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस के बारे में दिया गया है कि ये फास्ट चार्जिंग है और इसमें क्वाड कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, बहुत ही गजब का कैमरा है। मैं कुछ सैंपल्स भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में और इसका एक मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कैमरा रिव्यू का, जो आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ऊपर ये एक पैकेट जिसमें कि मुझे लगता है केस होगा। चलिए खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर आई थिंक सबसे ऊपर ये देखिए, सबसे ऊपर तो यहाँ पर रखा हुआ है केस और यहाँ पर लगा हुआ है ये पिन यानी कि सिम इजेक्टर टूल, जिससे कि आप सिम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें 3 स्लॉट्स हैं यानी कि 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप अलग से लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। कुछ पेपर वर्क जिसको कोई नहीं पढ़ता, सारे पहले से ही जानते हैं। और ये कवर की क्वालिटी देखते हैं, जनरली ये ब्लैक होता है लेकिन मुझे यहाँ पर ये वाइट ट्रांसपेरेंट कवर मिला है जो कि ठीक ठाक है। सबसे खास बात, ये जो कॉर्नर्स पे आप देख रहे हैं मुड़ा हुआ है, यही वो वजह है जो आपके फ़ोन की स्क्रीन को गिरने के बाद टूटने से बचाता है। और यहाँ पर काफ़ी चौड़ा सा कैमरा का एक होल दिया हुआ है, क्वाड कैमरा का सेटअप है। इसलिए ये हमारी डिवाइस है जो मैंने ग्रीन कलर की मंगाई थी। यहाँ पर इस कलर को पोको M2 Pro में बोला गया है ग्रीन ग्रीनर, यानी कि ये ग्रीन कलर का है। इसका नाम ग्रीन और ग्रीनर दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, हालांकि सबको पता होता है कि कुछ नहीं होगा, टाटा केबल होगी और चार्जर होगा, लेकिन फिर भी एक आदत होती है, चलो देखते हैं शायद कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। यहाँ हमें टाइप सी की डाटा केबल मिली है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और साथ में हमको ये जो चार्जर मिला है, ये चार्जर देख लेते हैं कि कितने वाट का है। कहने को तो ये बहुत फास्ट चार्जर है और बहुत फास्ट चार्जिंग करता है। अभी आगे वीडियो में हम लोग देख भी लेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, कितनी जल्दी चार्ज करता है। और ये एक काफ़ी फास्ट चार्जर है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए बाकी के एक्सेसरीज यहाँ से हटा देते हैं और साइड में रखने के बाद अपने मेन फोन यूनिट को देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है आपका मेन यूनिट जो कि दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, ग्लासी बिल्कुल इसका लुक है फ्रंट से भी और बैक से भी। यहाँ राइट में आपको पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम लॉकर मिल जाता है और यहाँ पावर बटन में ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बैक साइड डुअल टोन का टेक्सचर वाला ये आपको बैक मिल जाता है और 4 कैमरे का सेटअप मिल जाता है और फ्लैश भी इसका काफ़ी दमदार है। और नीचे आपको पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ये काफ़ी शाइनी है। और लेफ्ट साइड में केवल सिम इजेक्टर दिया गया है और कुछ भी नहीं है, आप सिम लगा सकते हैं। और नीचे आपको वॉल्यूम का यानी कि स्पीकर दिया गया है और एक माइक टाइप सी पोर्ट और सबका प्यारा ये 3.5 mm का जैक। ऊपर आपको यहाँ पर
आईआर ब्लास्टर के साथ साथ एक सेकेंडरी माइक मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल ये दिखता है। दोस्तों आप अगर देखें तो ये बिल्कुल Redmi Note 9 Pro के जैसा दिखता है, लुक वाइज भी और स्पेसिफिकेशंस भी। केवल बैटरी का अंतर है और बैक पैनल में थोड़ा सा डिजाइन का अंतर है, बाकी ये सेम एग्जैक्टली Redmi Note 9 Pro के जैसा ही दिखता है। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पास Redmi Note 9 Pro है और ये मैंने इसमें Poco M2 Pro देखिए साइड बाय साइड रखा, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वैसा ही वॉल्यूम रॉकर, वैसा ही साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर, पावर बटन, ये एकदम एग्जैक्टली सेम है। सामने पंच होल कैमरा, स्पेसिफिकेशंस वाइज भी सेम है और लुक वाइज भी सेम है, आप हर एंगल से देख सकते हैं। ये नीचे देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सेम चीज़ें एकदम एक जगह रखी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और ऊपर से भी देख लीजिए बिल्कुल सेम है। आप इसको इसका जुड़वा भाई यानी कि Poco M2 Pro को Note 9 Pro का जुड़वा भाई भी कह सकते हैं, बस थोड़ा सा पीछे कैमरे के फ्लैश के पास हल्का सा डिफरेंट दिया गया है, बाकी एग्जैक्टली ये Note 9 Pro के जैसा ही दिखता है। कवर लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी कंफर्टेबल है पकड़ने में और काफ़ी अच्छा कवर भी है, जिसमें कि यहाँ आप साइड में देख सकते हैं कि इसमें जो ये एजेस में काफ़ी उभरा हुआ है जो इसको बचाता है जब आपका फ़ोन गिरता है तो इसकी स्क्रीन को टूटने से बचाता है। और पीछे जैसा कि आपने देखा कि इसमें काफ़ी बड़ा बम्प है कैमरे के लिए, ये आप देख सकते हैं, तो इसको भी इस कवर की मदद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फ़ोन को बिना कवर के यूज़ करते हैं तो 100% आपका कैमरा स्क्रैचेस में आएगा या फिर ये डैमेज भी हो सकता है। और कवर लगाने के बाद देखिए कैमरे का जो भी बम्प है वो बिल्कुल पूरी तरह से कवर हो चुका है, तो इसलिए इस कवर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अपने डिवाइस को अच्छे से यूज़ कर पाएँ और उसमें कोई भी डैमेज ना हो। दोस्तों अगर बात करें इसके क्वाड कैमरा सेटअप की तो जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल के 1.9 के अपर्चर के साथ आता है और बहुत ही गजब की फोटोज देता है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर कुछ सैंपल दिखाऊंगा, आप खुद डिसाइड करिएगा कि ये फोटोज कैसी हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का है जो 2.2 के अपर्चर के साथ आता है और तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का जो मैक्रो के लिए यूज किया गया है वो 2.4 के अपर्चर के साथ आता है। चौथा कैमरा जो 2 मेगापिक्सल का यूज किया गया है 2.4 के अपर्चर के साथ, वो डेप्थ के लिए यूज किया गया है। अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरे की तो वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और 2.5 के अपर्चर के साथ, पंच होल के साथ आता है। तो यहां कुछ सैंपल आप देख सकते हैं जो इसके फ्रंट कैमरे और बैक कैमरे दोनों से ही लिए गए हैं। हालांकि मैं इसका एक वीडियो सेपरेट बनाने वाला हूं जिसमें इसके कैमरे का फुल रिव्यू करूंगा, वो आप यहां आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं जैसे ही वो वीडियो रिलीज हो जाता है। दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720 प्रोसेसर लगा हुआ है जो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेसर है और 8 नैनोमीटर की चिप के साथ आता है जो इसके परफॉर्मेंस को काफी दमदार बना देता है। आप चाहे इसमें पबजी गेम खेलिए या इसमें कंटिन्यू वीडियो देखिए या मल्टीटास्किंग करिए, ये इसको हीट नहीं होने देता और काफी अच्छा परफॉर्म करता है। दोस्तों इसमें लगभग सारे ही सेंसर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिखाया, इसके साथ ही गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कैंपास, सारे ही सेंसर इस डिवाइस में मौजूद हैं और आप सेंसर से रिलेटेड सारे ही काम कर सकते हैं। यहां तक कि इस डिवाइस में चूंकि ये Xiaomi की तरफ से आता है तो इसमें आपको आईआर ब्लास्टर भी दिया गया है। तो चलिए आपको अब इसकी चार्जिंग करके दिखाते हैं। इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका जो एनिमेशन है चार्जिंग का वो बहुत ही अट्रैक्टिव और सेटिस्फाइंग है, आप ये देखिए। और इसमें चार्जिंग इतनी स्पीड में हो रही है जिसको आप होते हुए देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से नंबर बढ़ते चले जाते हैं और ये बहुत फास्ट चार्जिंग करता है। 5000 mAh की दमदार बैटरी होने की वजह से ये आपको पूरे दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की जो बहुत ही फास्ट काम करता है, बिल्कुल मैजिक की तरह। जैसे ही सेंसर को टच करते हैं तुरंत ये उसको खोल देता है बहुत ही कम टाइम पे, बिल्कुल ऐसे ही ये वर्क करता है। फेस अनलॉक, आप बस पावर बटन दबाइए और पता भी नहीं चलता कि कब इसने उसका लॉक खोल दिया। तो ये दोनों ही सेंसर बिल्कुल जादू की तरह बहुत फास्ट काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद अब आपने अपना मूड बना लिया होगा कि आपको इस फोन को नहीं लेना है या लेना है। मेरे हिसाब से इस रेंज में इसके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उन सबसे ये बेस्ट है, तो आप इसको ले सकते हैं।
कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर ये फोन लेने का मूड बना रहे हैं तो ले लीजिए।